मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको केवल छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं। आज जैसा कि मैं बताऊंगा कि ड्रग क्या होता है, इसी तरह छोटी छोटी डिफिनेशन की टॉलरेंस क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। हर एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो होगा, एक से दो मिनट का, ठीक है। उसमें सारी छोटी छोटी डिफिनेशंस आपको डिफाइन कर दी गई होंगी, ठीक है। तो पहले आज देख लेते हैं कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग एक ऐसा एजेंट होता है जो कि क्या काम करता है, डिजीज़ को ठीक करने का काम करता है, ठीक है, विकार को निदान करने का, जैसे डायग्नोसिक करने में भी ड्रग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कोई आपके डिजीज़ है तो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको जो है ड्रग दी जाती है, और अगर कोई जैसे वैक्सीनेशन हुआ तो उसके रोकथाम के लिए पहले से ही आपको वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ड्रग होता है, ड्रग इज़ एन एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड एनी डिजीज डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब जो आपकी ड्रग होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, किसी भी डिजीज़ के लिए, डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, किसी भी डायग्नोसिस करने के लिए। जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो उसको अच्छे से, ताकि उसका विजुअल अच्छे से आ सके, उसके लिए हम कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन करने के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, ड्रग्स आपको पता चल गया कि ड्रग्स क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग्स एक ऐसा एजेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए और प्रिवेंशन के लिए। थैंक यू गाइस।